हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबू एमजे ब्लॉग्स। स्लो ड्राइव सेफ ड्राइव कैंपेन में आपका स्वागत है। यदि आपके पास भी एक्सीडेंट से जुड़ी हुई कोई फोटो या वीडियोज हो तो आप हमारी ईमेल आईडी bibuemjblogs@gmail.com पर शेयर कर सकते और इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते। इस कैंपेन की टैगलाइन के अनुसार ओवर स्पीडिंग आपको थोड़ी देर के लिए फन तो दे सकती है लेकिन दूसरे की जान को जोखिम में भी डाल सकती है। तो एक्सीडेंट रिलेटेड वीडियोज हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो आज एक और एक्सीडेंट की हम लोग बात करते हैं। ये एक्सीडेंट इंदौर में सुपर कॉरिडोर के पास बने हुए ब्रिज के पास हुआ है। ये एक्सीडेंट मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का है, जहां पर मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा ब्रिज से उतरने के बाद तेज स्पीड होने की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से अपना संतुलन खो देती है और डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। और टकराने के बाद 3-4 बार गाड़ी रोल हो जाती है। रोल होकर वो डिवाइडर के दूसरी साइड जाके गिरती है। आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। गाड़ी की पूरी बॉडी आप देख सकते हो, आगे से देख सकते हो, पीछे से देख सकते हो। लेकिन अच्छी बात इस एक्सीडेंट में ये रही कि चारों पैसेंजर है उनकी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। हालांकि उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई है। गाड़ी में, जैसा कि आप जानते हैं कि मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा ग्लोबल NCAP में 4-स्टार रेटिंग लेकर आई है, लेकिन कोई भी स्टार रेटिंग आपको ओवर स्पीडिंग के समय में, तेज एक्सीडेंट के समय में नहीं बचा सकती है। यदि आप गाड़ी को एक नियत स्पीड से ज़्यादा चलाओगे तो हम, जैसा कि आप पहले भी हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते आए कि आपकी गाड़ी की कितनी भी NCAP रेटिंग हो, चाहे 5-स्टार ही रेटिंग क्यों ना हो, आपको गाड़ी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, स्लो स्पीड में ही चलानी है, तभी गाड़ी आपको बचा पाएगी। यदि आपकी गाड़ी ओवर स्पीडिंग रहेगी तो आपको कोई भी चीज़, आपकी कोई भी सेफ्टी, कोई भी बिल्ड क्वालिटी आपको काम में नहीं आने वाली है। इस केस में ये बात अच्छी रही कि इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद, गाड़ी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाने के बाद, जैसा कि आप फ्रंट में भी देख सकते हो गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, उसके बाद भी जो भी गाड़ी को चला रहे थे, इसमें 4 लोग थे, 2 लोग लेडीज थे और 2 लोग जेंट्स थे, चारों लोगों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और किसी की भी इस घटना में जान नहीं गई है। तो हम लोग आपसे यही लास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी गाड़ी चलाइए, चाहे उसकी सेफ्टी रेटिंग बिल्ड क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, आपको गाड़ी को ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, गाड़ी को स्लो स्पीड में चलाना है, क्योंकि स्लो ड्राइव ही आपको सेफ ड्राइविंग दे पाएगी। और यदि आपके पास भी एक्सीडेंट की कोई इमेज या फोटो हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए और स्लो ड्राइव सेफ ड्राइव कैंपेन का हिस्सा बनिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।